हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक ट्यूटर्स। आज का जो एपिसोड है वो है टोटली एफसीबी के ऊपर, और अब से जो भी मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ वो एफसीबी के ऊपर ही बनाऊंगा। उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स, उसके बाद इलस्ट्रेटर और इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स पकड़ूंगा। अभी के लिए एफसीबी से शुरुआत करते हैं, तो लेट्स गो। So here we are with the FCB tutorial, hashtag first tutorial. Welcome to Tech Tutors. ये first class रहेगी, first tutorial of FCB. ये आप interface देख रहे हैं, ये FCB ही है। और मैं basic से बताता हूँ आपको how to create basically a new file. तो just like any other software, file, new, project, you can rename your project from here, like as a tutorial. Real one starting from zero. ये किस टाइप का बेसिकली आपको वीडियो, किस एस्पेक्ट रेशो का बनाना है, ये देखिए ये यहाँ पर रेजोल्यूशन आ गया है। क्या आपको बेसिकली फ्रेम रेट चाहिए, 25p 29.97 ही बनाता हूँ मैं। तो ये रेंडरिंग है बेसिकली कि आपका जो आउटपुट रहेगा, जो जब आप रेंडर करोगे वीडियो, तो आउटपुट का कंप्रेशन किस रेंडर, क्योंकि एफसीपी में एप्पल के रेंडर्स ही रहते हैं। जब आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर ये आपसे पूछेगा, तो तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वाला रेंडर यूज़ करना है। ऑडियो है तो ऑडियो भी रहेगा, सराउंड चाहिए, स्टीरियो चाहिए, क्या कौन सा वाला 48 kHz ही चाहिए रहता है सबको। दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर नाउ फॉर दिस काइंड ऑफ वीडियो। ओके प्रेस करेंगे, इट विल क्रिएट अ न्यू टाइमलाइन। दिस इज व्हाट वी कॉल इस टाइमलाइन। जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में भी होता है, वो वीडियो भी मैं बाद में बनाऊंगा, बट टाइम दीज काइंड ऑफ थिंग्स लाइक टाइमलाइन, प्रीव्यू स्क्रीन, ऑप्शंस, ये सब में सेम रहते हैं, सब कुछ सेम रहते हैं। बट उसमें क्या होता है कि अलग अलग चीज़, अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग जगह पड़ी रहती है। एक वीडियो लेते हैं to start with, let me take any video. You can take any video, like let us take this video. ये जितने भी videos हैं आप लोग, you can download it from pexels.com, pexelsvideos.com. यहाँ पर सभी videos जितने भी available हैं सभी, you can use it anywhere, क्योंकि ये है royalty free videos. बट इन्हें आप कमर्शियल यूज़ के लिए मत यूज़ कीजिए। यू कैन यूज़ इट फॉर योर शो रील और मे बी एनी काइंड ऑफ एडिटिंग। बेसिकली आप ट्यूटोरियल, जैसे मैं अभी ये ट्यूटोरियल वीडियोज़ के लिए डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे एडिट करके दिखाऊंगा, तो इस टाइप में ठीक है, बट यू मस्ट नॉट यूज़ दिस वीडियोज़ एज फॉर कमर्शियल पर्पसेस, क्योंकि ये किसी और आर्टिस्ट ने बनाए हैं एंड आई डोंट थिंक कि आप लोगों को उसका क्रेडिट लेना चाहिए। हाँ, एडिट करके, इफ़ यू कैन एडिट इट एंड मेक इट मोर प्रॉमिसिंग, मोर ब्यूटिफुल, और इफ़ इट दीज काइंड ऑफ वीडियोज़ कैन हेल्प यू इन एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, दैट इज़ वाई दीज वीडियोज़ आर अवेलेबल ऑन दीज काइंड ऑफ वेबसाइट्स। सो दिस इज़ द वीडियो, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वीडियो, इट्स बेसिकली टोटली 3D एनिमेटेड काइंड ऑफ वीडियो, और बहुत ही ब्यूटिफुल लग रहा है। ये पूरा अर्थ का अर्थ है, लाइक ये ऐसा लग रहा है जैसे कहीं बाहर से शॉट लिया है, तो बट ये दिस इज़ ऑल 3D एनिमेटेड। सो ऑलराइट, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ द वीडियो, ये है आपका टाइमलाइन। तो आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ओके मैंने फुल स्क्रीन कर दिया अभी, तो मैक में ऐसा होता है। एंड रिमेंबर वन थिंग, FCP वर्क्स ओनली ऑन मैक, so you either you have a Mac or you need to buy a Mac for FCP. FCP पे अगर आपको काम करना है तो आप सिर्फ FCP सिर्फ Mac पे चलता है, क्योंकि FCP Final Cut Pro Apple का सॉफ्टवेयर है, और वो सिर्फ Apple के लैपटॉप पे, Apple के Mac, iMac पे ही चलेगा और किसी पे नहीं चलेगा। सो दिस इज़ द वीडियो दैट वी आर गोइंग टू एडिट।
तो इट इज़ अ वीडियो, अनदर वीडियो ऑफ अर्थ। ये भी एक वीडियो है, वी विल ट्राई टू प्ले विद इट विद बोथ ऑफ द वीडियोस। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले इफ़ वी नीड दिस मच एंड देन वी नीड दिस, इसमें बेसिकली कट कैसे करते हैं। तो इसमें आता है दिस काइंड ऑफ दिस इज द ऑप्शन सेलेक्ट आइटम्स विद द सेलेक्टिंग टूल। अभी सेलेक्टेड टूल हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ये गो सेलेक्ट टूल ए इज द शॉर्टकट की। सेलेक्ट टूल हमने सेलेक्ट किया हुआ है तभी हम चीज़ों को सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट। हम हावर भी करते हैं या सेलेक्ट करते हैं, बट इफ यू प्रेस बी इज प्लेट, हियर यू गो, ये रहा। यहाँ पे हम कई किसी से बेसिकली ये एक ब्लेड, तो आपको पता ही होगा कि कटिंग में यूज़ होता है ये। अब इसको वापस ए प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की इज ए फॉर सेलेक्शन टूल्स टूल। और अभी अगर हमने ये वाला उठा के इधर डालना है तो वी कैन सिंपली प्लेस इट। ये आया, फिर ये आया, कंट्रोल जी इफ़ यू वांट टू मूव बैक वन स्टेप, इसको उठा के इधर डाल देंगे, यू कैन। इसके बाद ही आया, और दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग, बट यू नीड टू नो एवरीथिंग, राइट। तो यहाँ पे ये सारे हैं, हैंड टूल, जूम, पोजिशन, ये सब यहाँ मिल जाएगा। ये बहुत बेसिक है, यू कैन यूज़ ए एंड बी, ये ही आपको मेनली काम आएगा कि ए इज़ द सेलेक्शन टूल, बी इज़ द ब्लेड इफ़ यू वांट टू सिंपली एडिट अ वीडियो। कहीं पे आपको ब्लेड चलाना है, कहीं पे आपको बेसिकली वीडियो कट करना है कहीं से, ईदर टू डिलीट इट, ईदर टू मूव इट दैट शॉर्ट क्लिप दैट यू हैव कट टू somewhere else in the timeline, like if you want to move this to somewhere else, so you can do that by simply cutting the part of that you want to move. So ये क्या है यहाँ पे, ये है देखिए this option, ये भी पूरा timeline है, आप you press it, ये आ जाएगा। ये है video effects, like मैं कोई video select करता हूँ like this one, क्योंकि ये cut हो गया तो ये individual part हो गया अभी, तो ये है इसके इफ़ेक्ट्स, आपको किस टाइप का इफेक्ट डालना है। अब ये मॉल करते हैं, क्योंकि ये भी ये जो पार्ट है ये है कि ये कौन कौन से आपको दिखाएगा। ब्लर ऑप्शंस आ गए हैं, ये सारे ऑप्शंस के लिए बेसिक्स आ गए यहाँ पे। बेसिक्स में क्या होता है, क्रिस्प कंस्ट्रक्ट, हार्ड लाइट, नेगेटिव, ये सब आई थिंक यू विल बी नोइंग कि ये इसका यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, एंड यू कैन जस्ट सिंपली सेलेक्ट the video that you want in effect, और आप बस ये माउस को hover करेंगे इसके ऊपर ऐसे करके left from left to right। अब ये पूरा आपको यहाँ पे दिखा देगा कि ये डलने के बाद कैसा लगेगा, ठीक। left to right करेंगे तो वो पूरा video ऐसे चला के दिखा देगा, आपको कहीं click नहीं करना है, just hover it from left to right, ठीक। कलर में जाते हैं, अब ये देखिए कलराइज, इन सब में भी लाइक ऑल राइट, लेट्स जस्ट सेलेक्ट वन। अभी हम सेलेक्ट करते हैं ह्यू एंड सैचुरेशन, ये बेसिकली आप हर वीडियो में डालेंगे, आई एम टेलिंग यू हर वीडियो में ये डलेगा। सेलेक्ट करते हैं इसको, इस पर डाल देंगे, हमने यहाँ से उठाया, ड्रैग करके इस पर छोड़ दिया, अभी हो गया, अभी दो बार आ गया, ठीक है, एक हटा देंगे, ये यहाँ पे आ गया। अब ये क्या है, ये एरिया, दिस एरिया इज जो भी सेलेक्टेड वीडियो रहेगा, ये यहाँ पे उसके ऑप्शंस दिखाएगा। अगर उसमें कोई भी इफेक्ट, कोई भी ट्रांजिशन, दीज आर ट्रांजिशंस, उसमें आता हूँ बाद में, कोई भी इफेक्ट डाला हुआ है इस सेलेक्टेड वीडियो पे, तो वो यहाँ पे दिखाएगा, कहीं तो दिखाएगा वे यू नीड टू एडिट इट। अब आफ्टर इफेक्ट्स में ये यहाँ पे होता है, आफ्टर इफेक्ट्स में ये ऑप्शंस यहाँ आता है, राइट। अब ये इधर है, यहीं राइट पे आ रहा है, अलग अलग यूआई है, काम सब सेम करते हैं, बट आउटपुट मेजर ये इफेक्ट होता है। एफसीपी पे जो एडिट किया हुआ वीडियो का आउटपुट आता है वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल आता है। हेयर इज़ दी सेलेक्टेड इफेक्ट दैट वी हैव पुट इन दिस वीडियो। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क आएगा, आई विल शो इट यू। अब ये अमाउंट 100 है, ह्यू
सैचुरेशन एंड वैल्यू. अब सैचुरेशन ऑफ ह्यू, ह्यू इज कलर, ह्यू को कलर को बोलते हैं, कलर को ह्यू बोलते हैं. तो अब हम इसका अगर हम सैचुरेशन बढ़ा देंगे, आपको इफेक्ट दिखा, कलर बढ़ गया. तो अभी ये ज़ीरो था क्योंकि हमने उसको कुछ नहीं छेड़ा था. अभी इसको कम कर देंगे तो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, राइट, माइनस वन में. तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नहीं तो बहुत ऑड लगेगा. ये मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ कि अगर आप 0.5 बढ़ाएंगे तो ऐसा दिखेगा. सी, कैन यू सी द डिफरेंस, दिस एंड दिस, विच वन इज़ बेटर, दिस एंड दिस, कैन यू सी द डिफरेंस. जस्ट एडिंग सैचुरेशन ऑफ 0.5 उसमें जान आ गई. अब किस कोई भी वीडियो आप एडिट करोगे, आई एम श्योर कि आप ह्यू सैचुरेशन जरूर डालोगे, और बेसिकली डालता है हर कोई. अभी वैल्यू बढ़ाएंगे तो सी, सी दिस इज काइंड ऑफ गामा, गामा लाइट. अभी अमाउंट को खत्म कर देंगे. ये अमाउंट क्या है? ये अमाउंट है इन सब का. आपने 0.5 डाला है, ये 100% है, 0.5 पे 100% डाला हुआ है. अब उसको कम कर दो. आप देख रहे हो ये क्या, ये जो फॉलो कर रहा है मेरे कर्सर को, ये जो फॉलो कर रहा है, यू डू यू नो व्हाट दिस इज, लेट मी टेल यू वन शॉट टू यू. अब ये जो हमने सैचुरेशन किया है, यू नो वी कैन एनिमेट इट एज वेल. ठीक है, मैं आपको करके बताता हूँ. लाइक ये हमने यहाँ से आया, अब ये यहाँ से डायरेक्टली ना आए, एकदम से आ गया. इफ़ वी वॉन्ट कि ये स्मूथली ट्रांजिट हो, वैसे हम ट्रांजिशन यूज़ कर सकते हैं, बट हम वी कैन यूज़ दिस और हम इसे एनिमेट कर सकते हैं. अभी यहाँ पे आते ही एकदम से झटके से कलर चेंज करता है. हम नहीं चाहते ऐसा करें, हम चाहते हैं ये यहाँ पे आके कलर चेंज करें. तो वी नीड टू हैव एन एनिमेटेड. यहाँ पे रख दिया हमने ये टाइमलाइन का पर, हमने इसको कर दिया क्लिक. ये बन गई की, दिस इज़ अ की. जहाँ पर ये प्लस आ रहा है, ये बीच में डॉट आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है सी ऐड की फ्रेम. अब हमने यहाँ पे ऐड की कर दिया तो ये पूरा ओपेक हो गया, क्योंकि 0.5 पे है जो अमाउंट हमें चाहिए, वहाँ हमने क्लिक कर दिया. अब हम वापस लेकर जाते हैं इसको, यहाँ पे कर देते हैं इसको ज़ीरो. अब वो की यहाँ आया, ये जो बन गया, ये मतलब देर इज़ अनदर की, मतलब ये चीज़ एनिमेट हो रही है. अब कैसे होगा? अब झटका नहीं मारा. सी अब वो बड़े प्यार से एनिमेट हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, बट वो बड़े स्मूथली हो रहा है. सी कलर चेंज दिखता है आपको, कलर चेंज होता हुआ दिख रहा है. इसे देखिए और इसे देखिए. अभी मैं कर्सर, बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ये जो कर्सर लेकर जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं ऐसे लेकर जाऊँगा तो वो उसका स्क्रीनशॉट दिखाएगा, उसका दिखाएगा. जब मैं हटा लूँगा तो वो इसका दिखाएगा. तो मैं वो उसी से प्ले कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि ये कलर में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है ये ऐड करने के बाद, ही वन सैचुरेशन. बट उसमें है क्या कि वो ट्रांजिशन स्मूथ हो रहा है. क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे की ऐड कर दी. अभी हम ये जिसमें हमने जिस वीडियो क्लिप में हमने ये ह्यूमन सैचुरेशन वाला इफेक्ट डाला है, अभी इसको हम राइट क्लिक करेंगे और हम कहेंगे शो वीडियो एनिमेशन. ये आ गया. नाउ नीड टू जूम इन. अब इसमें देखिए आपको दो की फ्रेम दिख रहे हैं ह्यूमन सैचुरेशन पे. ये क्लिप था, ये सारे ऑप्शंस आ गए इसके, और यहाँ पे ये दिखा रहा है ह्यू एंड सैचुरेशन, ह्यू सैचुरेशन अमाउंट, जो ये ह्यू सैचुरेशन है इसमें ये दिखा रहा है की फ्रेम्स. अब देखिए मैं यहाँ पे कर्सर हिला रहा हूँ और वो पूरा चलता हुआ दिख रहा है. यहाँ पे देखिए आप स्क्रीन के इधर, जब मैं यहाँ से यहाँ चलाता हूँ, क्योंकि वो की फ्रेम डला हुआ है तो वो प्रॉपर दिखाता है कि कहाँ से बढ़ रहा है, राइट. दूसरे इफेक्ट पे आते हैं. लाइक अगर हम इस पे, इस वाली पे करें, हमने ये सेलेक्ट कर लिया. अब इसमें हम सिर्फ होवर करेंगे कर्सर को, अब ये इफेक्ट दिखाता है. कलराइज भी है, सीपीआ करते हैं या तो कुछ और करते हैं, सीपीआई डाल देते हैं.
अभी यहाँ पे आ गया क्योंकि ये सेलेक्टेड है, तो ये इसके ये सेलेक्टेड के ऑप्शंस यहाँ आ जाएंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये सेलेक्टेड है, इसके सीपी आ रहा है जो हमने इफेक्ट डाला है। अब ये सेलेक्टेड है तो इसका ही सैचुरेशन आ रहा है क्योंकि हमने ही सैचुरेशन डाला था। तो ये जो यहाँ सेलेक्टेड होता है वो उसके ऑप्शंस यहाँ आ जाते हैं। अबाउट 100 ही रहेगा, अगर आपके एनिमेट करना हो सब कुछ बाद में तो विल डू इट। तो अभी इससे क्या होता है, हाईलाइट दिख रहे हैं आपको, ये तो बर्न हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ज़्यादा करेंगे तो। अभी जाते हैं, ये भी इजीली आए यहाँ तक, मिड ऑफ द वीडियो तक इजीली आए। थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे, इसको भी एनिमेट कर देंगे, इसको भी एनिमेट कर देंगे, दोनों में की दे दिया बिकॉज हमने। अब इसमें क्या है, इसमें सीपीआई में सीपीआई डालने के बाद आपने ये चीज़ देखी, जब हमने सीपीआई पे डाला तो इसका ऑलरेडी यही कलर था, राइट। वॉश डालने से पहले इसका बेसिक ही कलर ऐसा ही था, क्योंकि जो और जो कि इससे बहुत डिफरेंट आ जाता है, सी बहुत डिफरेंट आ जाता है। तो हमने एकदम से जंप नहीं करना है अगर, और हमने इसे इजी ट्रांजिशन देना है एनिमेशन देकर, की फ्रेम डालकर ही हो सकता है वो। तो हमने इसके बीच में यहाँ दे दिया, इसमें बीच में रख के दो की फ्रेम दे दिए, दोनों को देना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको हम यहाँ तक भी कर देंगे तब भी वो डिफरेंस रहेगा, सी वो एकदम से जंप करके आता है, वो जंप नहीं करना। तो हमने इतना डाल दिया, यहाँ पे की फ्रेम दे दिया, और इसको यहाँ पे गए स्टार्टिंग में वापस, हमने दोनों का की फ्रेम दे दिया, ज़ीरो 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 अमाउंट हो गया, ज़ीरो ज़ीरो वैल्यू हो गया इन सबका। अब यहाँ से आए, अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, सी हाउ दैट इज़ गेटिंग एनिमेटेड। अब वीडियो में देखिए, वीडियो में कैसे धीरे धीरे कलर आ रहा है, आ गया। अरे वापस दूसरा वीडियो आ गया, तो इसमें नॉर्मल विदाउट एनी इफेक्ट्स वाला वीडियो चल रहा है, सी जंप नहीं करना है ना ऐसे। अभी इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, सी इसमें आपको डिफरेंस दिख रहा है, ये क्यों जंप कर रहा है इसमें, क्योंकि इसमें ह्यूमन सैचुरेशन डाला हुआ है, और इसका जो स्टार्टिंग का वीडियो था इसमें पहले हमने ह्यूमन सैचुरेशन नहीं डाला। अब क्या कर सकते हैं इसमें, सिंपली पिक इट अप एंड ड्रॉप इट ऑन दिस। अभी भी डिफरेंस आ रहा है क्योंकि हमने ऑब्वियसली इसके ऊपर डाला ही नहीं है कुछ, हम ह्यू कर देंगे 0.5। नाउ सी देर इज़ नो डिफरेंस, क्योंकि उसमें इस वाले में जो हमने ह्यू एंड सैचुरेशन 0.5 डाला था, बाकी सब तो सेम था, हमने इसको एनिमेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ एनिमेट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो इफेक्ट उसमें ऑलरेडी डला था, तो और बेसिक टू इफेक्ट में जंप आ रहा था, तो हमने उसको एनिमेट किया। अब इस वीडियो से इस वीडियो में जो डिफरेंस आ रहा है, बिकॉज ये वीडियो सेम मतलब एक ही वीडियो का हमने कट किया हुआ है, लेकिन यू नीड टू सी दिस कि इसमें जो इफेक्ट डाला था वो इसमें नहीं था, क्योंकि वो कट गया था वीडियो, राइट। तो और इसके ऊपर हमने दूसरा इफेक्ट डाल दिया, लेकिन वो भी एनिमेट किया था, वो उसका जंप हटाने के लिए। लेकिन जो यहाँ पे एंड तक जो इफेक्ट आ रहा था वो इसकी स्टार्टिंग में नहीं था, तो उस जंप को इफेक्ट है इफेक्ट नहीं है, उस जंप को ख़त्म करने के लिए हमने इसमें भी ह्यूमन सैचुरेशन 0.5 डाल दिया। तो अब क्या हो रहा है, कैनिशनी जंप नो चला गया, बिकॉज वो यहाँ पे था, जंप यहाँ ख़त्म किया, उस पर जंप यहाँ ख़त्म किया, उस पर जंप यहाँ ख़त्म किया, सी वेरी वेरी स्मूथली इट इज ट्रांजिटिंग दी कलर, राइट। ये स्मूथनेस बहुत ज़रूरी है, अगर एकदम से जंप को क्या आएगा तो बहुत गंदा लगेगा। अभी एकदम चेंज हो गया, सी नाउ व्हाट वी नीड टू डू। अब इसमें कोई और इफेक्ट डालते हैं जिससे, अब ये डाल देते हैं, सी
कंसिस्टेंट, ये मैं इतने डिफरेंट डिफरेंट आपको मैच करके इसीलिए दिखा रहा हूँ कि एवरीथिंग वी कैन डू एवरीथिंग इन दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, बट हाउ वी नीड टू डू इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। अभी इसमें ये कलर डला हुआ है, यू कैन चेंज द कलर, यू कैन इवन ब्राइटन इट, फिर इट वाइट और मे बी रेडिश, जो हम इफेक्ट देना चाह रहे हैं उसको डार्क रेड दे देते हैं, इस टाइप का इफेक्ट तो वैसे ही जाएगा ना, बिकॉज इसमें हमने यही कलर लिया है, अब ये और ज़्यादा डार्क हो जाएगा, अब एकदम से जंप जा रहा है। अब इसको जंप को कैसे ख़त्म करें, सेम ट्रिक, वेरी इजी। आपने वीडियो के सेंटर में टाइम बार को रखा, मतलब बेसिकली यू कैन, अब यहाँ से भी कर सकते हो लेकिन वो एकदम से आ जाएगा, एनिमेट तो करोगे ही। सेंटर में रखने का मीनिंग, हम क्यों, मैं क्यों रख रहा हूँ उसको सेंटर में, सेंटर में मैं सिर्फ इसीलिए रख रहा हूँ ताकि ये कम से कम हाफ वीडियो तो इफेक्ट वाला दिखे। अगर मैं यहाँ तक रख दूंगा वो एनिमेट ही करता दिख जाएगा, उसका रिजल्ट दिखेगा नहीं ढंग से पूरा। तो यहाँ कर दूंगा, यहाँ अगर वीडियो के स्टार्टिंग में कर दूंगा तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, तो उसका ट्रांजिशन ख़राब लगेगा, उसको सेंटर में ही कर देते हैं। 100 पे टिंट के अमाउंट के 100 पे हमने इसको की दे दिया। अब वापस लेकर आएंगे स्टार्टिंग में, थोड़ा सा दे देंगे गैप, उसको कर देंगे 0। लेकिन इसमें दो चीज़ और डलेंगी, क्या, एज यू रिमेंबर यू वन सैचुरेशन विद सैचुरेशन ऑफ 0.5, राइट। और इसमें क्या डाला था, सीपीआर 48.81 सीपीआर इन दिस ऑलरेडी एंटर, ताकि ये जो ये इसमें सीपीआर था ना, तो इसके कलर में और इसकी स्टार्टिंग के कलर में डिफरेंस ना दिखे। अभी आ रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, ऐसा क्या डाल दिया हमने उसमें, वी नीड टू पुट यून सैचुरेशन नीचे। नाउ सी, नाउ कैन यू सी द डिफरेंस, इसमें बेसिकली ये फिल्टर कर रहा है क्या, कि पहले टिन डलेगा, फिर सीपीआर डलेगा, फिर ह्यू डलेगा, राइट। इसमें यही सीक्वेंस था सीपीआर एंड ह्यू का, इसमें खाली ह्यू था, तो ये ट्रांजिशन हो गया, फिर ये ट्रांजिशन हो गया। अब ट्रांजिशन में इस वाले में, जब इस वाले वीडियो पे आता था तो उसमें ह्यू पहले कर रहा था, सीपीआर बाद में कर रहा था, जबकि इसमें सीपीआर ऊपर था, ह्यू नीचे था, तो ये ऊपर नीचे जो चीज़ पहले आएगी वो उस चीज़ को पहले रेंडर करेगा। गेटिंग माई पॉइंट, अब देखिए नहीं आ रहा बाउंस, नहीं आ रहा ना। अब ये हमने जो अपना टिंट डाला था वो उसमें और गहरा कलर हो गया, और गहरा हो गया, तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो मैंने इसको डिवाइड करके दो पार्ट में कर दिया है, ये वाला पार्ट यहीं एंड होगा, अगले वीडियो में देखिए पार्ट टू, वीडियो यही है बट पार्ट दो कर दिए हैं, दूसरा वीडियो देखिए, इसको यहीं से कंटिन्यू होगा ये वीडियो। डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक द चैनल।